कर रहे हैं उनका नाम है सतीश मोटा जी, गुरप्रीत जी, रविंद्र बंगड़ जी और हैप्पी शेख जी। अगर हम बात करें सतीश मोस्टा जी की तो ये इंडियन है और ये बेसिकली हरियाणा से है और 2010 से जो है वो दुबई में सेटल है और उन्होंने अपना फॉरेक्स का हाउस, फॉरेक्स हाउस बनाया है और साथ साथ में एशिया के टॉप 10 फंड मैनेजरों में से एक है और उनके साथ में स्विस कोड, सेक्सो बैंक, जीबी प्राइम और मशरिक बैंक जैसे बड़े बड़े जो फाइनेंशियल हब्स हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं और लिक्विड प्रोवाइडर्स में अगर बड़ा नाम अगर देखा जाए तो स्विस कोड भी साथ में है। जो बैंक भी साथ में है या बैंक को भी लोन देने वाले लोग अगर साथ में है तो स्वाभाविक है कि लग्जूरियस प्रो नेटवर्क भी एक बड़ी बैंक लेकर भी आ सकता है जो क्रिप्टो के लिए एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन बन सकता है। गुरप्रीत सिंह जी जो हमारे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड स्ट्रेटेजिस्ट है जिन्होंने पूरा जो सिस्टम जो है वो पहले से डिजाइन किया कि कब कौन सी एक्सचेंज पे कौन सी चीज आनी चाहिए, किस तरह से कौन सी सिटी और कौन सी कंट्रीज के ऊपर ज्यादा बेनिफिट का फोकस किया जाना चाहिए और पूरी स्ट्रेटजी के साथ में जो है वो गुरप्रीत जी पूरे ग्रुप को जो है वो लीड कर रहे हैं। साथ साथ में मिस्टर रविंदर बंगड़ जी हैं जो क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडर हैं, वो बताते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग क्या होता है और किस तरह से नए लोगों को ट्रेड करना चाहिए। क्रिप्टो में और शेयर मार्केट का डिफरेंस जो है वो बताते हैं कि ये 24/7 चलने वाला मार्केट है तो आपको अगर 9 बजे उठ के 5 बजे चले जाने वाला ट्रेडिंग का सिस्टम अगर आपके पास है तो क्रिप्टो में बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि टाइमिंग का सबसे बड़ा अगर आप देखो कि जो टाइमिंग होता है क्रिप्टो का वो जीएमपी स्टैंडर्ड्स के ऊपर होता है ना ही कि आईएसटी टाइम जोन के ऊपर होता है, इसीलिए ये 5.5 घंटे जो है वो उसमें ऐड करके इसका क्लोजिंग होता है और क्रिप्टो करेंसी जो है वो 24/7 चलती है तो वहां पे जो जोन वाइज अगर कंट्री वाइज अगर काम किया जाए तो बहुत ज्यादा उसमें बेनिफिट मिल सकता है और साथ साथ में हर कोई इंसान को एक आम लैंग्वेज में जो है वो क्रिप्टो करेंसी समझाने का सबसे बड़ा जो उन्होंने जवाबदारी लिया वैसे मिस्टर हैप्पी शेख जी जिन्होंने हर कोई इंसान को एक बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर किया। देखो कई बार लोग कहते हैं कि LPNT के बारे में आप कम बोलते हो लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप ज्यादा कहते हो क्योंकि सिंपल चीज है, LPNT तभी कोई समझेगा जब वो क्रिप्टो करेंसी समझेगा। जब अगर वो क्रिप्टो करेंसी समझ जाएगा तो अपने आप LPNT में काम करेगा या नहीं करेगा वो खुद अपने अपना डिसीजन ले पाएगा। अगर मैं हम ये कहते हैं एफिसर का जो हमेशा एक सेंटेंस रहता है कि कोई हमारे साथ काम करे या ना करे लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कोई धोखा ना खाए और क्रिप्टो करेंसी में जितने भी लोग जो हैं वो पैसा लेकर भाग जाने वाले सिस्टम में जो लोग अपने अपने से जो ग्रीडीनेस के अंदर जो डाल देते हैं उनको रोकने के लिए एजुकेशन ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन के ऊपर ही पूरा फोकस करके पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो गुरप्रीत जी, रविंदर बंगल जी और हैप्पी शेख जी हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है वो बहुत ही बढ़िया लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं और एज ऑफ नाउ 40+ कंट्रीज के अंदर लग्जूरियस प्रो नेटवर्क जो है वो बहुत ही बढ़िया लेवल के ऊपर काम कर रहा है और ऑन एन एवरेज 10 से 12 कंट्री में कंटिन्यूसली इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट चल रहे हैं। ऐसा भी अब एक बहुत ही कम समय में आप देखोगे कि फॉरेन कंट्रीज के लोग भी अब लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन की फिजिकल मीटिंग्स भी आप लेता देख पाओगे और बहुत सारे नए अपडेट्स के साथ में जो है वो LPNT जो है वो हमेशा आगे बढ़ती जा रही है और जिस तरह से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके जो काम कर रहे हैं बहुत डेवलपमेंट जो है वो सामने दिख रहे हैं। विजनरी की अगर हम बात करें सतीश मोस्टा जी की तो नेटवर्क लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन को UK में भी रजिस्टर करके रखा हुआ है कि फ्यूचर अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो ये वर्चुअल जो ऑफिस का रजिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं जो है वो फ्यूचर के लिए प्लानिंग में रखा जा सके। साथ साथ में LPNT एकेडमी है जहाँ पे फ्री कोर्सेज भी प्लान किए जा चुके हैं और बहुत ही जल्द जो है वो बेसिक फंडामेंटल से लेकर बिगिनर और इंटरमीडिएट से लेकर एक्सपर्ट्स तक के इवन ट्रेडर्स के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो डिजाइन किए गए हैं और उसमें लोग फ्री भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पेड वर्जन्स में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ब्लॉकचेन एकेडमी का जो सर्टिफिकेट्स और वो सब चीजें भी बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। तो LPNT की अगर इन शॉर्ट बात करें तो जिस तरह से बिटकॉइन को जेपी मॉर्गन ने फॉरेक्स मार्केट के अंदर MT4 और MT5 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेयर किया हुआ है, इसी तरह से लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन को भी
स्विस कोड के माध्यम से, यानी कि जो बैकबोन है वो स्विस कोड है और स्विस कोड की वजह से जो है वो MT4 MT5 के ऊपर जो है वो रजिस्टर किया गया है। सो आप सब लोगों को ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन यही है कि जैसे बिटकॉइन को अगर हम ट्रेड कर सकते हैं डॉलर के साथ, तो वैसे LPNT भी हम ट्रेड कर सकते हैं डॉलर के साथ, और वो ऑलरेडी हो चुका है एक्सचेंज। आप जैसे LPNT जो है वो एक्सचेंज ऑफ मनी है, ट्रांजेक्शन है, डिफरेंट वे है, पीयर टू पीयर जो है टेक्नोलॉजी को इंश्योर करता है, और हर कंट्री में LPNT जो है वो आपको आप आराम से इसको यूज कर पाओगे। स्पीड है इसका, एक्सेसिबल मोबिलिटी है, लो चार्जेस है, इंटरनेशनल यूज है, सेफ्टी एंड रिलायबल है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, और इसमें किसी भी बीच में किसी भी व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ती। जो चीजें आप करेंसी से कर पाते हो वही सब चीज आप क्रिप्टो करेंसी से LPNT से कर पाओगे, यानी कि इसका बेनिफिट, इसका यूजेस और इसका सॉल्यूशन अगर देखोगे तो फाइनेंस, फॉरेक्स, ई-कॉमर्स, होटल, रेस्टोरेंट, फ्लाइट बुकिंग, रेस्टोरेंट, हर एक जगह पे जो है वो आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे। और जो फिजिकल कम्युनिटी है वो वर्ल्ड वाइड अभी काम करना शुरू कर चुकी है। जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह से लोग का कभी यहाँ होते हैं कभी वहां होते हैं, तो इसकी जगह पे यहाँ पे फिजिकल और लॉयल कम्युनिटी को भी बिल्ड किया गया है, और बहुत बड़े पैमाने पे ये कहा जा चुका है, वर्ल्ड देख रही है कि इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो किसी ने कोई स्टेप लिया है फिजिकल कम्युनिटी बनाने के लिए, तो वो है लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन। और हम आप और हमारे में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हैं और आगे जो है वो उसको स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा न्यूज यही है कि NFX.AE पे LPNT USD का पहला कैंडल बन चुका है, और अब LPNT को 2 महीने के अंदर आप ऐसी यूटिलिटी देखोगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक चीज समझ में आ जाएगी कि अगर किसी को आगे बढ़ना है तो LPNT ही एक सबसे बड़ा एग्जांपल रहेगा। और डॉलर के साथ पेयर करके आप फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंडाइसेस, प्रीशियस मेटल, सॉफ्ट कमोडिटी, क्रिप्टो, एनर्जी, शेयर, सभी में आप डील करना शुरू कर दोगे। उसकी पहली कैंडल बन चुकी है और LPNT जो है वो वर्ल्ड में लीड करने के लिए ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, और उसकी तकनीक जो है वो कम्युनिटी को पहले बिल्ड किया, ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट करने के लिए ट्रेडिंग के ऊपर काम किया गया, और बड़े ही स्टेकिंग, बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर स्टेकिंग प्रोग्राम के ऊपर एक्टिविटी करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लोगों को साथ में रखा गया, और बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर स्टेक होल्डिंग किया गया, जिसकी वजह से पैनिक सेल को रोका गया, यानी कि प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए जो स्टेकिंग में है उनको कोई पैनिक नहीं है। जो गलती से लालच में आके ट्रेडिंग कर दिया था, जैसे डॉज कॉइन में किया था या जैसे बिटकॉइन का हालविंग चल रहा था तब उन्होंने बाय कर लिया और जब प्राइस डाउन हुआ तब सेल कर दिया, ऐसे कई सारे ऐसे क्रिप्टो के जो हमारे दोस्त हैं वो लोग ग्रीड में आके ट्रेड करना शुरू कर दिए, इसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर दिए। लेकिन हम कहते हैं कि स्टेक होल्डिंग करो ताकि आपका प्राइस बढ़े या कम हो, आप लॉन्ग टर्म पोजीशन के ऊपर प्रोजेक्ट का जो है पूरा वर्थ जो है वो आप ले पाओ। तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा, और अगर वो स्टेकिंग प्रोग्राम में जाते हैं तो बेनिफिट है कि उनको मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न भी मिलेगा। आप समझो कि जिस तरह से शिबू आईएनयू को जिस तरह से सर्च किया जा रहा है, वर्ल्ड के सभी जो कॉइन रैंकर्स हैं वो लोग बता रहे हैं, और कॉइन रैंकिंग ने भी ये कहा है कि जिस तरह से वर्ल्ड के पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज को जैसे सर्च किया जाता है वैसे ही LPNT को भी सर्च किया जा चुका है। जिस तरह इनिशियल कॉइन ऑफरिंग की अगर हम बात करें तो 40 सेंट के अंदर ₹32 में ये LPNT शुरू हुआ था, और $1.20 पे इसका इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्लोज हुआ था, $8.4 million 70 डेज के अंदर हार्ड कैपिटल जो है वो आ चुका था, और 5 फरवरी 2021 को $1.40 से पहली बार लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन बिटकॉइन, इथेरियम और USDT के साथ में पेयर होके प्रोबिट नाम के एक्सचेंज के ऊपर जो वर्ल्ड के टॉप 26-28 नंबर के ऊपर अभी भी स्टेबल है वैसे एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च हुआ, और ऑन एन एवरेज $10,000 से $15,000 का वहां पे ऑर्गेनिक वे से ट्रेडिंग अभी भी हो रहा है, पिछले 7 महीने से हो रहा है, और इसी तरह से आगे भी बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर होता रहेगा। अब एक एक्सचेंज पे आना या 100 एक्सचेंज पे आना कोई बड़ी बात जो कहते थे कि नहीं होती, और लोग ये कहते थे कि एक्सचेंज पे आने के बाद ये जीरो हो जाएगा, उन लोगों के लिए जब उनको पता चला कि ये इंडियन एक्सचेंज के साथ यानी कि INR के साथ पेयर होके आ रहा है
इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज ये हुई कि जब एलपीएनटी आईएनआर के साथ आया तो एक दिन में 33 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड हुआ और एक से तीन दिन के अंदर ये 48 से 72 आवर्स में $7 से $100 पहुंच चुका। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो ग्रोथ रेशियो है क्रिप्टो करेंसी का, उसका जो लिमिटेशंस नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रूफ किया बायू पॉइंट में। और बायू पॉइंट में $100 यानी कि इंडियन रुपीज के हिसाब से 7,500 रुपया भी हिट कर दिया। और ये 100% ऑर्गेनिक तरीके से हुआ, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर अगर ट्रेड करना है तो केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, आपको उसमें बाय करना है। तो आप देखो बायू पॉइंट पे देखोगे तो आपने 0.8 एलपीएनटी किसी ने खरीदा है, किसी ने 0.5 एलपीएनटी यानी कि आधा एलपीएनटी खरीदा है, किसी ने 1,000 रुपए का खरीदा है, किसी ने 5,000 रुपए का खरीदा है, किसी ने 10,000 रुपए का खरीदा है। और एक भाई तो ऐसे थे जिन्होंने 1.5 करोड़ का एक ही दिन में ट्रेड किया, उनको 1,00,000 रुपए में से 50,000 रुपया जो भाई कोई ने जो कंपटीशन रखा था उसमें भी उनको बेनिफिट मिला। तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी तो आए ही नहीं है सिस्टम में कहीं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जब तक $1,000 नहीं हो जाता तब तक कोई क्रिप्टो करेंसी को स्टेबल नहीं माना जाता, वहां तक के भी लोग हैं जो समझने वाले। तो ये जैसे ही $1,000 पहुंचेगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये बहुत ही बड़ी बोलबाला होने वाली है और बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो है वो काम करेंगे। $1,000 कब होगा लोग पूछते हैं, मैं कहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी में कब क्या होगा किसी को पता नहीं, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि ये $7 से $100 कैसे हो जाएगा। और $100 से आपने देखा होगा कि ये $40 तक भी गया, लेकिन अब $60-65 के ऊपर बहुत ही स्टेबल ऑर्गेनिक तरीके से ट्रेड हो रहा है, यानी कि बाइंग और सेलिंग का ट्रेंड जो है वो बहुत ही स्टेबल तरीके से बना हुआ है। उसका जो मैंने जिस तरह से कहा कि 3.65 करोड़ प्रॉफिट तीन दिन का ट्रेडर्स का एलपीएनटी का बायू पॉइंट के एक्सचेंज के लेजर के ऊपर आप देख सकते हो 3.65 करोड़ का। इवन बायू पॉइंट खुद उसका खुद का टोकन 800% जो है वो बढ़ गया और एलपीएनटी की ट्रेडिंग फी जो है वो 30% कम कर दी ताकि और ज्यादा लोग ट्रेड करें और उनका जो है वो इनकम बढ़े, क्योंकि ट्रेडिंग में बोथ साइड 0.5% बोथ साइड उनको कमीशन मिलता है, उनको भी ट्रेडर्स को भी यानी कि ट्रेडर्स को भी बेनिफिट मिले और एक्सचेंज को भी और जितने भी एलपीएनटी के साथ जुड़े हैं उन लोगों को भी। तो ये डॉलर का जो बहुत ही बड़ा जो ग्रोथ बना उसमें कॉइन मार्केट कैप जैसे वर्ल्ड के टॉप डेरिवेटिव्स वेबसाइट्स ने ये कहा कि जब ये शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो 12,663% से ज्यादा का ग्रोथ हो चुका है। आप इस चीज को समझिए, हम 100, 200, 500, 1000% की बात नहीं कर रहे हैं, 12,663% इट्स नॉट अ स्मॉल जंप, इट्स नॉट अ स्मॉल टास्क, It's not a joke. It's 100% proved. It's hence proved. It's not said by us. It's said by the experts. It's said by the people who invested, who understand, who work on the parameters, who understand what the blockchain is and how it works. That's why the people who ask the silly question, please follow the fine market cap and understand what they understood and how they represent everyone. And जब ये तीन exchanges के ऊपर आ जाएगा, पूरा डेटा जब आपको 100% दिख जाएगा कि डाइल्यूटेड मार्केट कैप कितना है, वॉल्यूम्स देखोगे आप कितना वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब ये डॉलर के साथ जब एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर देगा पूरा वर्ल्ड जो है वो अपने अपने वॉलेट्स के अंदर एलपीएनटी रखेगा और एलपीएनटी सेल करेगा, जितने भी ट्रेड्स होंगे वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर दिखेंगे। जैसे ही ये ट्रेडिंग होना शुरू होगा लाइव प्राइस और रैंकिंग सब लोग अपने अपने जहां जहां पे कॉइन मार्केट के कॉइन कीको कॉइन अफ्रीका और जहां पे भी जिनको कॉइन कोडेक्स या कॉइन ऑक्सीड्स कहीं पे भी आप देख सकते हो एलपीएनटी की धूम जो है वो हर जगह पे लगी चुकी है। प्ले स्टोर में अगर आप जाओगे तो भी प्ले स्टोर में भी एलपीएनटी के सभी वॉलेट्स जो है वो अपग्रेड हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी भी गूगल का ऑथेंटिकेटर और जो वॉलेट्स अपडेट नहीं किए उन लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए और रिसेट्स के जो है वो पैरामीटर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। अभी भी जिनको नई जो चीजें समझ में आती है या हमारे पास तो ये भी क्वेश्चंस आए कि हमारे पास स्मार्टफोन तक नहीं है, उन लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग अपने कोई जानकार व्यक्ति के पास बैठ के इसका सीड फ्रेज और गूगल ऑथेंटिकेटर का 16 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिकल की बचा के रखें, सेव करके रखें, लिख के रखें। अगर आपने
क्रिप्टो को नहीं समझा तो वो रूल सबके लिए है, वो एफपीटी के लिए अकेले के नहीं है, सबके लिए ये रूल है। अगर 5 साल के बाद 10 साल के बाद ये बड़ा पैसा हो जाएगा तब आप क्या करोगे? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा एक स्टोरी कि $10,000 में $40 के 2 पिज्जा लिए थे। आप समझ सकते हो कि अगर उसने सेव करके रखा होता। मैं कई बार लोग जो है वो मुझे रिचार्ज का कूपन भेजते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि उन्होंने हमारे से रिचार्ज होता है, लेकिन ये स्टोरी तब बिकेगी जब आपने एक एलपीएन से कुछ रिचार्ज किया होगा और वो एलपीएन की कीमत जो है वो आसमान को छू रही होगी, तब आपका ये जो रिचार्ज किया हुआ है वो आपके नाम से स्टोरी से भेजेंगे कि देखो ये भाई साहब ने एक एलपीएन का रिचार्ज किया था, तब इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपया या 500 रुपया थी, आज इनकी कीमत ये है। तो आप चीजों को समझे, सीरियसली ले इस चीजों को। हर एक चीज जरूरी है, क्रिप्टो वॉलेट्स भी आ चुके हैं, एक्सप्लोरर्स भी आएंगे, 1800+ सर्विसेज भी वहां पे आएगी। क्रिप्टो को होल्ड जितना करके रखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। एक्सप्लोरर बड़े बड़े जो है वो जो आप ये कहते हैं कि भाई दाल ले पाएंगे, यानी हर एक चीज मार्केट का जितना भी रिक्वायरमेंट है वो आप क्रिप्टो से कर पाओगे, एलपीएन से कर पाओगे। देखो अगर दूसरे कर सकते तो हम भी कर सकते हैं, हम कर सकते हैं तो दूसरे भी कर सकते हैं। वो वाली चीज से बाहर निकल के एक चीज को समझो कि क्रिप्टो को होल्ड करने से ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये वॉलेट्स जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, आ चुके हैं। इंश्योरेंस भी आप एलपीएन से ले पाओगे, वॉलेट्स अपग्रेड कर लीजिए। अभी भी किसी का वॉलेट बाकी है तो प्लीज आप एनपीएन को जो है वो 100% इसको यूज करें। सो जिन लोगों के पास iOS है, वेबसाइट है, यानी कि iOS के ऊपर है, तो उनके लिए ये वॉलेट्स है। आप किसी भी वॉलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईथर का है, मेटामास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, बहुत सारे वॉलेट्स हैं। आप इसमें आप एनपीएन का रिसीव एड्रेस लेकर आपके जो इंटरनेशनल स्टेकिंग प्रोग्राम की वेबसाइट है उसके ऊपर आप ये है रिसीव एड्रेस ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज है, अभी भी अपडेट नहीं कर पाए, तो एक चीज बता दूं कि अगर एनपीएनटी का वॉलेट आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको चार्जेस जो है वो कम लगेंगे। अगर आपने दूसरे वॉलेट यूज किए, अगर आपका परसेंटेजेस ऑफ रिसीविंग एड्रेस अगर कम, यानी रिसीविंग अमाउंट अगर कम है, और अगर प्राइसिंग अगर उसका फीस जो है वो अगर ज्यादा लगेगा तो शायद हो सकेगा कि आपको ट्रांसफर तो हो गया होगा लेकिन मिलेगा 0, यहाँ तक भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो आपके पास एलपीएन पहुंचेंगे नहीं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एलपीएन वॉलेट्स को भी इस्तेमाल करें, और एलपीएन वॉलेट के बाद में आप आपके पास ज्यादा अमाउंट हो जाए फिर आप दूसरे किसी क्रिप्टो में दूसरे वॉलेट में भी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जिन लोगों के पास 16 डिजिट्स की हो गया है उन लोगों के लिए एक सिंपल चीज है कि अगर गूगल ऑथेंटिकेटर में जब आप ये कॉपी सेटअप की दबाते हैं उसके बाद आपको वो कहीं ना कहीं पेस्ट करके रखना है। जैसे आप अकाउंट नेम और की पेस्ट करते हैं तो वो टाइम पे वो अल्फा न्यूमेरिकल की जो है वो लिख के रखना है। आप सुन लीजिएगा मेरी बात, लिख के रखना है। अगर नहीं लिख के रखा तो जब आप गूगल ऑथेंटिकेटर खो देते हो या आपका फोन खो जाता है या फॉर्मेट हो जाता है तब ये चीज नहीं होने की वजह से पूरा सिस्टम जितना सिर्फ इतना ही सिर्फ ऐसा नहीं कि एनपीएनटी के लिए सभी क्रिप्टो करेंसी को जो है वो इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर में अगर आपने ऐड किया है तो आपको ये 100% सेव करके रखना पड़ेगा। नहीं है तो प्लीज रीसेट कर लीजिएगा। अभी एक चांस आपको मिल रहा है, फिर बाद में चांस मिले ना मिले लेकिन आप 100% जो है वो सीरियसली इसको ट्रेडिशनल मनी की तरह इसको सेव करें। जब आपका ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपका सेकेंड चीज सीड फ्रेज आपको जो है वो याद रखने हैं या तो इसको लिख के रखने हैं। 12 शब्द होंगे, वो 12 शब्द अगर नहीं खुल रहे हैं तो उसको रिसेट कीजिए, वापस डिलीट करके वापस दूसरे फोन में भी ट्राई कर लीजिए। नहीं हो रहा है तो उसकी जो है वो जो टिकट है वो जनरेट कर लीजिए वेबसाइट पे जाके ताकि आपको जो वॉलेट है वो रिसेट करके मिले। वो 12 पॉइंट का सीड फ्रेज जैसे वो खुलजा सिंह सिंह वाला है वो वर्ड है, अगर वो खो गए तो आपको 5 साल के बाद जो भी अमाउंट मिलने वाला है वो जब सीड फ्रेज अगर आपका पूरा वॉलेट में होगा तो वॉलेट के पासवर्ड अगर आप खुल गए होंगे तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज आप ये सब चीजों को समझ के सीरियसली जो है वो ये ईमेल करें। हाँ आप बारकोड सेव कर सकते हो और ईमेल में जाके आप ईमेल कर दीजिए सिस्टम में support@lpntoken.net पे आप ईमेल कर सकते हो और बेफिक्र होकर जो है वो जिसको समझ में नहीं आता फिर भी तो प्लीज आपके एक्टिव जो भी सीनियर है उनके साथ बैठकर आप बात कीजिए।
अब आपको बता दूं कि इंटरनेशनल टेरिटरीज अब ओपन करने का राइट टाइम आ चुका है। जो लोगों के पास वर्ल्ड वाइड कॉन्टैक्ट्स हैं या वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के माध्यम से, टेलीग्राम की बोट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के बोट के माध्यम से, मैसेंजर के बोट के माध्यम से, या किसी भी तरीके से इंटरनेशनल एक्सप्लोर को बढ़ाना चाहते हैं या सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम टू एनकरेज द कम्युनिटी, लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन एंड हाउ इट इज एंड हाउ द एलपीटी इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट मी द पीपल ऑफ अराउंड द ग्लोब आर लुकिंग for the person who can refer and they can start doing staking because of it requires a referral ID to get on. Understand my friends, without referral no one can get on the staking program. So people are waiting for someone. So if you are a YouTuber, if you are an influencer, if you are a crypto believer, if you know how to build a business, then start promoting with your referral ID and start using the right referral ID to get the best structure and to get the best ranks as earliest as possible. Start enrolling on a free if you want and start giving them information about the international global presence that how we are coming, and this is what the right time to do the thing. So this is the amazing update what I'm saying. You have a time till October. Within a 2 months, if you build your international territory, trust me, you will be the amazing guy in the group, and you will feel amazed when you will become a successful person for your group and your family, and as well as for your city or state or country. And especially, we will feel proud that LPNT has some of the biggest diamond, or we can say that some of the biggest jam person. So please focus on international territories, start building, and this is the right time to get on board because of the technology is right, technique is right, strategy is right. So technology, it's ERC20, we are on Ethereum technology, so we do not to worry. Everyone knows, international people knows what is Ethereum and how it works, so feel free to talk with them. And we are building a community, we have a traders, and we are focusing on our investment part. We are doing a stakeholding program. We, once the circle of staking will जब circle of staking complete हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगी, लोगों को जो है momentum देखना शुरू हो जाएगा, और सबसे ज्यादा जरूरी, अगर international market में आप जा रहे हो तो आपको lpntoken.io को promote करना है. lpntoken.net जो है वो international staking program है. जब तक वो स्टेकिंग प्रोग्राम में आना नहीं चाहते हैं, तब तक वो या तो एक्सचेंज पे बाय करेंगे, या तो वो जो है वो जो भी नया एक्सचेंज आएगा इंटरनेशनल एक्सचेंज, उसके ऊपर जाकर वो बाय करेंगे. अब probit.com जो है वो इंटरनेशनल वेबसाइट से इंटरनेशनल लोगों के लिए है, वैसे बायू कॉइन भी है, तो ऐसा नहीं है कि बायू कॉइन सिर्फ INR के साथ ही है. तो सब चीजों को समझे, वर्ल्ड वाइड जो है वो काम करने के लिए आपके पास दोनों एक्सचेंजेस हैं. NFX.AE भी शुरू हो रहा है, यानी कि लाइव ट्रेडिंग शुरू होगा. जैसे ही ये लाइव ट्रेडिंग शुरू होता है उसमें 200% का लिवरेज जो है वो ओपन हो रहा है. टोटल सप्लाई जो है वो 8 करोड़ ही रहने वाला है, उसमें से 4 करोड़ अलग अलग एक्सचेंजेस पे आने वाले हैं. 10 लाख मिसिलेनियस एक्सपेंस के लिए रखा हुआ है, 1 करोड़ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के लिए था, जो 2 करोड़ 10 लाख जो है वो फाउंडर्स एंड कम्युनिटी के लिए फ्रीज किए गए हैं, और 80 लाख जो है वो इकोसिस्टम के लिए किए गए हैं. तो आप अगर कम्युनिटी बी में पहुंचते हो तो वैसे 300 लोगों को 6% का स्टेक जो है वो LPN का मिलने वाला है. वो बहुत बड़ा होता है, मिनिमम 10,000 LPN जो है वो उसमें मिल सकते हैं. अगर आपके पास 2 कम्युनिटी बी मेंबर आते हैं तो आप कम्युनिटी ए में पहुंचते हैं. इसी तरह से अलग अलग रैंक्स हैं, जिन्होंने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है उनके साथ बैठ के कैसे कम्युनिटी बी में पहुंचा जा सकता है, और फ्री जो है कि अर्न कर सकते हैं आप LPN प्रोग्राम, यानी कि LPN अर्निंग प्रोग्राम में अगर आपको आना है तो आप कैसे आ सकते हैं, विथ योर स्टेकिंग, विथ योर डिसीजन, हाउ यू कैन अर्न मोर LPN. दिस इज द अमेजिंग पार्ट ऑफ बिजनेस प्रपोजल. इनिशियली शुरू करना है आपको तो आप $100 से स्टार्ट करो. समझो किस तरह से काम होता है. अगर आपने $100 से शुरू किया तो आप डिसाइड करो कि कितने मंथ तक आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन के ऊपर उसको रखना है. आप उसको लॉक कीजिए उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को. अगर आपने 18 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने के लिए अगर आपने लॉक किया, तो अगर आपने 18 महीने के लिए किया तो आपको 3% के LPN आपको लाइव प्राइस से मिलेंगे.
बहुत ही जबरदस्त सिस्टम बनी है कि जहाँ पे लोग ये समझते हैं कि ये पैसे का इंटरेस्ट गिनते हैं, ऐसा नहीं है। ये 100% डिविडेंट है और जो डिविडेंट है वो LPN में आने वाला है। जिन लोगों को डॉलर्स में आया है वो USDT बाय करके LPN बाय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जो LPN में जैसे ही वो आएगा वो अपने वॉलेट्स के अंदर आएगा, उसको होल्ड करके रखोगे तो अगर आपने 3% का भी अगर होल्ड करके रखा है और आज उसका प्राइस समझो एक्स अमाउंट है, तो अगर एक साल के बाद या 6 महीने बाद वो बाय अमाउंट यानी कि अगर 10 रुपए की चीज अगर 100 रुपए की हो गई तब बेचोगे तो ये 3% नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो आप इस चीज को समझो, ये परसेंटेज वाला सिस्टम में भी फाइनेंशियल जो है वो जो लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल कैलकुलेशंस को कैसे किया जा सकता है डिविडेंड्स के साथ साथ में इसको मल्टीपल जो सिस्टम को कैसे काउंट किया जा सकता है उसके ऊपर जो लोगों के ज्यादा कैलकुलेशंस करोगे तो और ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये डिविडेंड इज विथड्रॉएबल, आप डिविडेंड विथड्रॉ कर पाओगे, लेकिन जो स्टेक होल्डिंग होता है वो 18 महीने तक जो जितना भी प्रिंसिपल आपका है वो टोकन में कन्वर्ट होके वो फ्रीज हो जाएगा। जब ये मैच्योरिटी हो जाएगी वो टोकन जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो टोकन की क्वांटिटी वही की वही रहती है, जब ये प्राइस बढ़ता है तो उसका वेल्थ जो है वो हर एक इंसान का बढ़ता है। जितने ज्यादा टोकन आपके पास उतना ही ज्यादा वेल्थ आपका बढ़ेगा। और इसी के साथ जो हमारा जो स्ट्रेटजी है जो आपकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए काम करता है वो पैनिक सेल को पैनिक बाय को कम करने के लिए डॉलर के साथ पेयर होने की वजह से इसका ट्रेडिंग भी बहुत बढ़ेगा और इसका डिमांड भी बढ़ेगा, फिजिकल कम्युनिटी भी काम करेगी और रिफंड पॉलिसी भी है। अगर कोई ये कहता है कि भाई हमें अच्छा नहीं लगता तो उनके लिए भी, और दूसरा अगर वर्स्ट कंडीशन में भी अगर कोई भी प्रोजेक्ट को कुछ भी हो जाता है तो पॉलिसी हमेशा वर्स्ट कंडीशन को और टॉप कंडीशन को देख के बनी जाती है। तो ये जो रिफंड पॉलिसी है वर्स्ट कंडीशन को देख के भी बनाई गई है कि उसमें अगर प्रोजेक्ट को इन शॉर्ट अगर कुछ होता है या कुछ भी गलती होती है तो आपको 75% जो है वो आपका प्रिंसिपल वापस मिलता है, 25% डिडक्ट होता है। लेकिन तब तक आपने जो भी LPN आपने लिए है, जो भी डिविडेंड आपने लिया है वो आपका है, उसके वो जो है प्रोजेक्ट आपसे वापस नहीं मांगता है। और जितना जो समय है वो है कि 4th महीने से लेकर 9th महीने तक आप ये डिसीजन ले लीजिए कि अगर आपको रिफंड चाहिए तो आपको रिफंड मिल सकता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो वापस मिल सकता है। तो ये साथ साथ में नॉमिनी का भी बेनिफिट है। तो जो लोगों ने नॉमिनी अभी तक नहीं किया है, KYC कंप्लीट नहीं किया, उन लोगों को मैं वापस एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ वो कंप्लीट कर ले। वर्ल्ड वाइड जो है वो न्यूज में अभी LPN जो है वो धमाके मचा रहा है और साथ साथ में एक नया जो है वो सिस्टम के साथ में एक मैसिव मार्केटिंग के साथ में जब ये LPN जो है वो अक्टूबर के बाद वर्ल्ड वाइड जब ये शुरू करेगा तो आप देखोगे कि आपका प्राइस जो है वो आसमान को छुएगा और बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर जो है वो काम करना शुरू हो चुका है। और अभी तक जो है वो क्लोजिंग जो शॉर्ट छोटे छोटे मीटिंग्स जो है वो करना शुरू किए, ऑफलाइन मीटिंग्स भी बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर काम करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स भी इतनी इम्पोर्टेंट है और उससे अपडेट्स ज्यादा मिलते हैं। और इसीलिए हर ट्यूजडे को ये मीटिंग्स होगी जिसके लिए आप अगर नए लोगों को लेकर ज्यादा से ज्यादा आप इनवाइट करोगे तो उसका बेनिफिट जो है वो लोग ले पाएंगे। जो लास्ट वीक में जो लोग ज्वाइन हुए वो लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको भी अपडेट्स ज्यादा मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी जो है वो अपने अपने ड्रीम्स कार्स जो है वो अचीव कर चुके हैं। और साथ साथ में हम हमेशा यही कहते हैं कि ये पूरा जो सिस्टम जिनकी वजह से चल रहा है वो है मिस्टर सतीश मोस्टा जी की वजह से। आज और आप सब लोग हैं वो कई सारे सपने जो है पूरे करने के लिए सोचना भी शुरू कर चुके हैं। कई बार तो हम ये भूल चुके थे कि सपने भी कुछ हो सकते हैं और पैसे भी इतने मिल सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से काम करके सतीश जी के साथ में रहकर अपनी लाइफ चेंज की है। अगर आप भी अगर इस सिस्टम में आना चाहते हैं तो जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ बैठिए और उनके साथ जो है वो बातचीत करिए और हम सब जो है हमारा आपके साथ दिन रात हमेशा काम करने के लिए हमेशा रेडी है। पूरा सिस्टम जो है वो आपका काम करने के लिए रेडी है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू स्नेहल जी इफ यू आर देयर। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो ऑलमोस्ट सभी चीजें जो है वो क्लियर कर ली है। जिन लोगों का KYC नहीं हो रहा है उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो वापस एक बार कर ले और थोड़ा
बहुत सारे केवाईसी जो है वो पेंडिंग है, वो सब चीजें एक साथ में हो रही है क्योंकि एक साथ में बहुत सारी डिमांड भी है, तो सब चीजें हो जाएगी, टाइम लग रहा है, नो इट्स ओके, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। डिविडेंड डॉलर में आएगा अगली बार से। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। फ्रेंड्स, इस तस्वीर में चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा है और उनके साथ जो महिला है भाई उनका नाम है जोन वेन होंग। उन्होंने जैक मा की कंपनी अलीबाबा को वर्ष 2000 में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में ज्वाइन किया। दो सालों वेट करने के बाद कंपनी के दुख सुख में कंपनी के साथ रहकर डोंग को फाइनली उनकी मेहनत और सबर का फल मिला। उनके 0.2% अब 100 करोड़ नहीं बल्कि 2500 करोड़ रुपए बन चुके थे। आज की तारीख में दोस्तों अलीबाबा का मार्केट कैप 587 बिलियन डॉलर्स है, यानी वेन होंग के शेयर्स की कीमत अब 8000 करोड़ रुपए हो चुकी है। दोस्तों, क्या आप किसी कंपनी में 14 साल तक काम कर सकते हैं? जब आपकी कंपनी का मालिक रात दिन बिना थके मेहनत करता है तो भाई आप कौन होते हैं कंप्लेंट करने वाले? जैक मा ने अलीबाबा के सक्सेस के पीछे का राज भी बताया। उन्होंने कहा, अलीबाबा के कामयाब होने के पीछे कारण है कि हमारी कंपनी में काफी महिलाएं काम करती हैं। हमारी कंपनी में लगभग 45% महिलाएं हैं। अगर आपको 21वीं सदी में कामयाब होना है तो दूसरों को सशक्त बनाएं। अगर कंपनी चलाते समय आप खुद से ज्यादा अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं तभी आप कामयाब होंगे। मैंने औरतों में खूबी देखी, औरतों को जब आप सम्मान दें, उन्हें उनके काम से सही सुविधाएं दें, तो वो आपकी कंपनी में आपसे भी बेहतर काम करके दिखाती हैं। दोस्तों, डोंग वेन होंग की कहानी आप तक साझा करने का तात्पर्य ये है कि अगर आप निश्चित हैं कि कुएं में पानी है तो 10 साल 10 अलग अलग कुएं को खोदने से अच्छा है उसी कुएं को खोदें। आपको यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा। जैसा कि आप दोस्तों आपको पता होगा ये अहमदाबाद से हैं और क्रिप्टो करेंसी में जो ब्लॉकचेन होती है दोस्तों उसके ट्रेनर हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अवेयरनेस फैला रहे हैं, ये कई कई इंडिया में सभी जगह पे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप भी इससे जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। अगर गाइस आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों और ज़्यादा लोगों तक LPNT पहुंचेगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना दोस्तों।